सबसे पहले हमने काम जो करना है साधना में, वह आसन पर बैठने का काम करना चाहिए। आसन पर हमें बैठना आना चाहिए, पर हम तो 5 मिनट इधर बैठते हैं, 10 मिनट इधर, 15 मिनट इधर, कभी लंबे कभी उल्टे से। ये क्यों अवस्था खराब हुई कि हमने बाल्य काल से अभ्यास पर ध्यान नहीं दिया, और इसकी जिम्मेवारी हर माँ बाप की है। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हर माँ बाप को अपने बच्चों को पद्मासन में बिठाकर पढ़ाना चाहिए, भजन कराना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। आसन आपका अगर परिपक्व हो जाता है, फिर दूसरा स्टेप है श्वास को रोकने का अभ्यास। जो योगी लोग थे हजारों वर्ष रहते थे, क्यों? वह अपने श्वासों को अभ्यास के द्वारा, प्राणायाम शक्ति के द्वारा अभ्यास करते और प्राण के धन को बचाते। जरा आप अपने आप से पूछें, हम लोग क्या बचाते हैं? धन। पर योगी क्या बचाते हैं? श्वास। श्वास का मूल्य ज्यादा है कि पैसे का मूल्य ज्यादा है? पर हम किस पर काम कर रहे हैं? सभी पैसा कमा रहे हैं और पैसा बचा रहे हैं। अपने आप से हर साधक ये प्रश्न करे, पैसाओं को बचाना मूर्खों का काम, पर पैसा को अच्छे काम में लगाना ज्ञानियों का काम, पर अपने श्वासों का बचाना ये योगियों का काम है। अब आप बताइए, आपको योगी बनना है कि ज्ञानी बनना है कि अज्ञानी बनना है? दुनिया में अज्ञानी ज्यादा है कि ज्ञानी कि योगी? बस कुत्ते बिल्ली की तरह खा रहे हैं, सो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आप देखना, दो कुत्तों को लड़ते हुए देखना और फिर तुम अपने उसका फोटो खींचना, और फिर जब तुम लड़ रहे हो तुम अपना फोटो खींचना, तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं, ऐसे लगेगा ये भाई बहन यही है। हम आप सब लोग कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, मेरा तेरा, तूने ज्यादा खाया मैंने कम खाया, हाँ मम्मा देखो तुमने इसको सुंदर कपड़े खरीदो मुझे नहीं खरीदवाए, बस